इस वक्त मैं बैठा हूँ यहाँ पर मदीने मस्जिद नबवी के छठवें गेट पर, और अभी बजे हैं सुबह के 8:26। मैंने ब्रेकफास्ट कर लिया और आज मैं जाना चाह रहा हूँ तुर्की म्यूज़ियम। तो उस दिन गया था तुर्की म्यूज़ियम जुमे के दिन, तो जुमे के दिन तुर्की म्यूज़ियम बंद रहता है एक्चुअली, बट वहाँ तक मैं जाके आया। वो उस दिन 4 बजे खुलता है, तो अभी तो 8:26 हुए हैं तो नहीं खुला होगा तुर्की म्यूज़ियम। तो यहाँ पर थोड़ा रेस्ट कर लेता हूँ मैं, और थोड़ा धूप आ रहा है, धीरे धीरे बढ़ रहा है। यहाँ बहुत ज़्यादा ठंड है मदीने में, कहते हैं कि 12 महीना ज़्यादा ठंड रहता है, यानी 12 महीना ठंड रहता है और ठंड के महीने में और ज़्यादा ठंड रहता है। तो यहाँ आप जब भी आए तो जैकेट स्वेटर साथ में लाए ताकि तकलीफ ना हो। मेरे को भी बोला गया था कि आप जैकेट स्वेटर ले जाओ, लेकिन मैं बोला कि गर्मी का दिन है तो ठंड कहाँ होगा, बट यहाँ ठंड है और इसलिए मैं धूप में बैठा हूँ। यहाँ हर पेड़ों के लिए एक नल लगाया गया है, जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे आजू बाजू अभी ये सब पेड़ लगाए गए हैं, और मेरे पीछे भी पेड़ लगा हुआ है। तो इन पेड़ों में पानी की ज़रूरत पड़ती है, तो आसमान से तो यहाँ बहुत कम पानी गिरता है। पिछले दो तीन महीने में बहुत बारिश हुआ, उस वजह से यहाँ पानी इतना जलजला हो गया है। पहली बार इतनी पानी की बारिश हुई तो लोग हैरान हो गए, बट यहाँ जो पेड़ लगे हैं उन पेड़ों के लिए नल लगाए जाते हैं ताकि उनको पानी मिलते रहे। आप देख सकते हैं मेरे पीछे एक पेड़ है, उसको ये नल है, नल आपको मैं दिखला रहा हूँ, ये नल लगा हुआ है और ये पेड़ है। पेड़ों के लिए नल लगा है स्पेशल, और इनको टाइमिंग में पानी मिलता है। और गेट नंबर 6 के पास ये चौक है एक, आप कभी आते हैं तो गेट नंबर 6 के पास आपको मस्जिद कुबा जाने के लिए टैक्सी मिल जाएंगे, बसेस मिल जाएंगे। बसेस यहाँ रेलवे स्टेशन ले जाते हैं, आपका बुलेट ट्रेन है यहाँ फिलहाल 2017-18 से स्टार्ट है, तो इतनी बुकिंग चलता है कि खुद सऊदी लोग जो सऊदी अरब में रहते हैं उन लोग खुद बुकिंग कर लेते हैं बुलेट ट्रेन, क्योंकि यहाँ ट्रेन 2017-18 से स्टार्ट हुआ तो सभी लोग बुलेट ट्रेन का सफ़र करते हैं। और अदर्स कंट्री के हैं तो ऑनलाइन आप ट्रेन 15-20 दिन पहले से बुक कर सकते हैं मदीने से काबा जाने के लिए, मदीने से जद्दा एयरपोर्ट जाने के लिए, और 2 घंटे में आपको यहाँ से मदीने से जद्दा एयरपोर्ट आपको यह ट्रेन बुलेट ट्रेन आपको ले जाएगी। बस में जाओगे तो 4 घंटा लगता है और बुलेट ट्रेन में आपको 2 घंटा लगेगा। गाइस को यह जानकारी यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें यार, क्योंकि लाइक और कमेंट ज़रूर करें। आपको कुछ बातें कहनी है तो, और आप मेरे चैनल में नए हों तो सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि मेरा हौसला हो और मैं और बेहतर से बेहतर वीडियो बना सकूं। तो यह वीडियो यहीं तक के, और देखते हैं आगे अगर हम जाते हैं, खुल जाता है तुर्की म्यूज़ियम तो।